हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहम्मद रेस। आप जाके द स्टॉक मास्टर आज के लेवल चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी जो मंडे को ट्रेड करना होगा, जहाँ तक तो प्री मार्केट बेरिश हुई हुई है, बट तो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी पे क्या चल रहा है इस टाइम, तो डेली डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छे सपोर्ट के पास रुका हुआ है। बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। जैसे देख ले कि एक भी रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर रेजिस्टेंस बनकर सपोर्ट तोड़ के ऊपर गया, फिर आके अपने सपोर्ट के पास रुका हुआ है। तो जहाँ तक ये है कि सपोर्ट से पुल बैक कर जाए, अगर मार्केट सेंटिमेंट सही रहा तो ये पुल बैक कर जाएगा, अगर नहीं रहा तो फिर से ये सपोर्ट तोड़ के, रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ के ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास तक आएगा। तो हम लोग को इजिली कम से समथिंग 1% से 1.5% का टारगेट बनाया जा सकता है। तो कल अगर ये सपोर्ट टूटता है, और जहाँ तक गैप अप की वजह से टूट जाए मंडे को, अगर टूट जाता है मंडे को, तो आप आराम से एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1 से 1.5% के आसपास प्रॉफिट इजिली कर सकते हैं। और अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका तो बहुत अच्छा गैप मिल रहा है। ये सपोर्ट टूटने के बाद सीधे आपका समथिंग जो परसेंटेज है 11, 8, 9% के आसपास प्रॉफिट है। तो बहुत अच्छा मोमेंटम है इस टाइम बेरिस का, अच्छा ट्रेड मिल सकता है इस पर बेरिस साइड। तो इस पर थोड़ा ध्यान से, बट अगर यहाँ सेंटिमेंट चेंज होता है तो फिर यहाँ से बुलिस फिर से हो सकता है, लेकिन बुलिस होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो जहाँ तक कि मार्केट नीचे बेरिश हो, ओके। तो निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या है। तो निफ्टी में भी हम जैसे कि हम लोगों ने लेवल बनाए रखे हैं पहले से, तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई से अपने लो के साइड बेरिश कर चुकी है, और इस टाइम अपने एक छोटे मोटे सपोर्ट के आसपास है। तो अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ती और बेरिश होती तो निफ्टी भी जहाँ तक बेरिश ही रहेगी, और बेरिश होती है तो आपका सबसे जो पहला टारगेट बनेगा वो आपका ये टारगेट होगा। यहाँ से ये आपका पहला टारगेट होता है, 1 सेकेंड, हाँ ये आपका पहला टारगेट इजीली बनाया जा सकता है। ये समथिंग होगा 2% के आसपास, ये आपका, हाँ 2% के आसपास है, 2% समथिंग है, पूरा 2% इजीली टारगेट।